أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। हिदायत टी वी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ और सबसे पहले ये दुआ करना अपना वजीफ़ा समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह रमज़ान में जो मोमिन मोमिनात किसी जगह पर भी अल्लाह ताला की किसी हवाले से भी इबादत में मशगूल हैं, रोज़े रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, दीगर इबादात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब को बेहतरीन अजर अता फ़रमाए, उनकी तमाम इबादात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। और मख़सूसन इस साल अल्लाह ताला ने बिलखुसूस हिदायत टी वी के तवस्सुत से ये अल्लाह ताला ने हमें इनाम अता फ़रमाया है कि हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रिए मुबारक के पास ये प्रोग्राम मुनाकिद हों, तो इस पर भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को रोज़े क़यामत में और मख़सूसन जो हिदायत टीवी के नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम सब को हज़रत मासूमा की शफ़ात और जन्नतुल फ़िरदौस में आपका जवार नसीब फरमाए। तो माह रमज़ान के हवाले से मुख्तलिफ बातें हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे थे, आज कुछ ज़रूरी मसाइल और फिर उसके बाद जो है वो रोज़े के फ़ज़ाइल को हम बयान करेंगे। तो हमने ज़ाहिरन पहले या दूसरे प्रोग्राम में बयान किया था कि रोज़ा में जो चीज़ें वाजिब होती हैं, सबसे पहले आपने नियत करना है कि नियत करेंगे कि मैं माह रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह तबारक व तआला। जब आप इस तरह से नियत करेंगे तो आपका बहमदिल्ला ताला रोज़ा शुरू हो जाएगा। और माह रमज़ान में रोज़े की हालत में 10 चीज़ों से इज्तनाब करना वाजिब होता है। अब मैं उनके तफसील तो मैंने पहले बयान कर दी थी, आज थोड़ा उनके कफारात के बारे में वजाहत करूँगा कि 10 चीज़ों से इज्तनाब करना ये वाजिब है। सबसे पहले खाना है, नंबर दो पीना है, नंबर तीन जमा करना है, नंबर चार इस्तेमाल करना है, तो पाँचवें नंबर पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ झूठी नस्बत देना है, छठे नंबर पर गुबार गलीज़ को अपने हल्क में ले जाना है, सातवें नंबर पर हैज़ और निफास अगर रात में आ जाए या किसी को जनाबत हो जाए तो सुबह से पहले उसको अजान सुबह से पहले गुसल करना है, और आठवें नंबर पर किसी माए चीज़ से जो अनीमिया जो कब्ज़ की बीमारी हो जाती है तो अनीमिया करवाते हैं वो करवाना मुबतले वजू रोज़े को बातिल कर देता है, नौवें नंबर पर आमदन कह करना, और दसवें नंबर पर पानी के अंदर गोता लगाना और सर को पानी के अंदर डबोना। ये 10 चीज़ें हैं जो इजमालन जो मुज्तहिदीन कहते हैं कि इनसे रोज़ा बातिल हो जाता है। अब इनमें से बाज़ चीज़ों के कफारात हैं, बाज़ चीज़ों के मुख्तलिफ कफारात हैं, उनके बारे में मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। सबसे पहले खाना पीना, तो खाने पीने के बारे में जो है वो ये कि मुज्तहिदीन में थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ़ है कि खाने पीने में दो किस्मों की चीज़ें आती हैं। एक दफ़ा एक हराम चीज़ खाना पीना है, मसलन नजस गज़ा खा लेना या गसबी चीज़ खा लेना या शराब पी लेना, मसलन इस किस्म की जो ये चीज़ें हराम चीज़ों से रोज़ा वो बातिल करता है या खाता वो पीता है, या हलाल चीज़ खाना पीना, मसलन रोटी है पानी है जो हलाल चीज़ें उनको खाना पीना है। तो बाज़ फुकहा हराम और हलाल चीज़ों में तफसील के कायल हैं। मरहूम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह और आयतुल्लाह सिस्तानी और मकारिम वगैरह का ये फतवा है कि अगर वो एक मरतबा खाए या कई मरतबा खाए तो उनके खाने से आपका जो रोज़ा है वो बातिल तो हो जाएगा लेकिन एक कफ़ारा जो आप पर वाजिब होगा। लेकिन मरहूम इमाम खुमैनी इस बात के कायल हैं कि अगर हराम चीज़ के साथ खाकर रोज़े को बातिल करता है, मसलन गसबी चीज़ खाता है या फ़र्ज़ करें वो नजस चीज़ खाता है और उसके ज़रिए से अपने रोज़े को बातिल करता है तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर कफ़ारा जम आएगा। लेकिन मरहूम लेकिन जो बाद दीगर फुकहा हैं, मसलन हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी, वो ये कहते हैं कि चाहे एक मरतबा खाए, चाहे हलाल चीज़ खाए, चाहे हराम चीज़ खाए, नजस खाए या पाक चीज़ खाए, हर दो सूरत में एक कफ़ारा उसके ऊपर वाजिब होगा, कफ़ारा जम उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। कफ़ारा जम से मुराद ये होता है कि 60 रोज़े भी रखना होते हैं और 60 मिस्कीन को खाना भी खिलाना होता है, इसको बोलते हैं कफ़ारा जम। इसी तरह से
आइम्मा की तरफ जो नस्बत देना, झूठी नस्बत देना है, तो उसमें मरहूम इमाम खुमैनी आयतुल्ला तबरेज़ी वगैरह का ये फतवा था कि उसमें भी कफ़ारा जम वाजिब हो जाता है, और उसको यानी 60 रोज़े भी रखना वाजिब होते हैं और 60 मिस्किन को खाना भी खिलाना उसके ऊपर वाजिब होता है। लेकिन हज़रत आयतुल्ला फाजिल मरहूम आयतुल्ला फाजिल का फतवा था कि नहीं, उस सूरह में कफ़ारा वाहिदा होगा, कफ़ारा जम उसके ऊपर नहीं आएगा, यानी या 60 मिस्किन को खाना खिलाए या 60 रोज़े रखें। लेकिन हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी वो फरमाते हैं कि हराम है, रोज़ा बातिल हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है, बल्कि सिर्फ तौबा करना है उसके ऊपर है। तो इसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इसी तरह से जो कह करना है और पानी में गोता लगाना है, तो मरहूम इमाम खुमैनी चाहे एक मरतबा पानी के अंदर गोता लगाए, चाहे चंद मरतबा पानी के अंदर गोता लगाए, तो मरहूम इमाम खुमैनी हज़रत आयतुल्ला फाजिल हज़रत आयतुल्ला नूरी तबरीज़ी वगैरह फरमाते हैं कि उस सूरत में आपको एक रोज़ा कज़ा करना पड़ेगा और आपको बाद में कफ़ारा भी देना पड़ेगा। लेकिन मरहूम लेकिन जो इन फुकहा का जो फतवा है वो कज़ा भी है और कफ़ारा भी है, लेकिन हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी सिर्फ उन 10 चीज़ों में से एक इस चीज़ को कबूल नहीं करते। वो ये कहते हैं कि गोता लगाने से रोज़ा बातिल नहीं होता, और जब बातिल नहीं होता तो फिर उसमें कज़ा और कफ़ारा भी नहीं आएगा। तो ये सिर्फ उनका फतवा है, बाकी दीगर फुकहा ये फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में आपका रोज़ा बातिल भी हो जाएगा और कज़ा भी करना पड़ेगी और कफ़ारा भी आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से आमदन कह करना है, अगर कोई शख्स जानबूझ के हल्क में उंगली वगैरह डालकर या कोई दवाई सहारी के टाइम में ऐसी दवाई खाता है जिसकी वजह से उसका रूम जो है वो चीज़ मसलन उसके उसको उल्टी आ जाती है और कह आ जाती है, तो मरहूम इमाम खुमैनी वगैरह जो है उस बात के कायल हैं हज़रत आयतुल्ला मकारिम हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी खामनाई वगैरह, वो कहते हैं कि इस सूरह में आपके ऊपर कफ़ारा होगा। लेकिन हज़रत आयतुल्ला फाजिल इस बात के कायल थे कि कफ़ारा उसके ऊपर नहीं है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो इंशाअल्लाह ताला मखसूसन जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मसला होता है वो जमा और इस्तिमना का है। जमा और इस्तिमना के बारे में भी फरमाते हैं कि मरहूम इमाम खुमैनी हज़रत आयतुल्ला फाजिल वगैरह वही फरमाते थे कि अगर जब वो ज़िना करें हालत रोज़े में या इस्तिमना करें या लिबात वगैरह करें तो फिर इस सूरह में कफ़ारा जम उसके ऊपर वाजिब होगा, यानी उसको 60 रोज़े भी रखना होंगे और 60 मिस्किन को खाना भी खिलाना होगा। लेकिन जो है वो हज़रत आयतुल्ला सिस्तानी इस बात के कायल हैं कि चाहे वो हलाल मसलन करें चाहे हराम तरीके से वो करें जिनसे अमल करें तो फिर भी उसके ऊपर कफ़ारा वाहिदा आएगा, कफ़ारा जम उसके ऊपर वाजिब नहीं होगा। तो ये एक मसाइल जो ज़रूरी मसाइल थे वो हमने आपकी खिदमत में बयान किए। अब मैं रोज़े की फजीलत के बारे में भी एक दो मतालब जो आपकी खिदमत में बयान कर दूँ कि रोज़ा एक अल्लाह ताला की एक ऐसी प्यारी इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतने प्यारे अल्फाज से याद फरमाया कि लज्जत आती है इंसान को, कि अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को सब्र के नाम से ताबीर फरमाया है कि ये यानी ख़ुद मुजस्मा सब्र है, रोज़ा रखना एक बहुत अजीम सब्र का नमूना और मजहर है। अब उसकी मैं रिवायात आपकी खिदमत एक दो रिवायात आपकी खिदमत में बयान करूं कि क्या क्या अजमतें हैं इस माह रमज़ान के रोज़े की। पैगंबर अकरम से हदीस है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बनी आदम के हर अमल का एक जज़ा मैंने मुकर्रर की है, हर नेक काम के मैं मैं उनको 10 बराबर अजर अता करता हूँ और बाद आमाल की मैं 700 गुना जज़ा अता करता हूँ, 700 गुना अजर अता करता हूँ सिर्फ रोज़ा के। फरमाया कि फ़ैन्ना हूँ ली व अना अजीब, रोज़ा एक मेरी प्यारी ऐसी प्यारी इबादत है कि जो फ़कत मेरी इबादत है और ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। और इस जुमला मुबारक की उलमा दूसरी एक तफसीर भी करते हैं, बस कहते हैं कि वह आना उजाबे, यानी मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ, ये इस हर अमल की जज़ा जन्नत है लेकिन रोज़े की जज़ा मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लिका और
ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं उसकी जज़ा हूँ कि मेरा फरमाया कि मेरा बंदा मेरी वजह से अपनी शहवात को तर्क करता है, मैं उसको अजर दूँगा। मेरी वजह से प्यास लगने के बावजूद मेरा बंदा पानी को तर्क करता है, मैं उसको अजर अता करूँगा। और फरमाया कि जो रोज़ेदार के मुँह से बदबू आती है तो अल्लाह की नज़र में वो ताअत की खुशबू है, और मुश्क अंबर जो दुनिया में तुम्हारे लिए मुश्क अंबर जैसे खुशबूएँ तुम लोग समझते हो, अल्लाह की नज़र में चूँकि ये ताअत की वजह से और अल्लाह की बंदगी की वजह से ये मोमिन का मुँह बदबूदार हुआ है, तो ये अल्लाह की नज़र में अत्र और अंबर और मुश्क अंबर से ज़्यादा महबूब तर है और खुशबूदार है। एक और प्यारी सी रिवायत है जिसमें जे मरहूम शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाहिरन ये रिवायत नकल की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मैं बाज़ हालात में तुम्हारा नाम लेने से मुझे थोड़ा सा शर्म आता है कि मेरा मुंह इतना बदबूदार होता है कि मुझे शर्म महसूस होती है कि मैं उस हालत में तुम्हारा नाम लूँ, तो मुझे जरा मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला के इस्म मुबारक की तौहीन हो इतने बदबूदार मुँह के साथ। फरमाया कि जब मैंने रोज़ा रखा होता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, रोज़े की हालत में जो तुम्हारे मुँह से बदबू आती है तो वो मुझे मुश्क अंबर से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि वो ताअत की तुम्हारे ताअत और तकवा की वजह से वो बदबू पैदा हुई है तुम्हारे मुँह में, लिहाजा तुम उससे कतन परेशान ना हो। और एक और हदीस पैगम्बर अकरम की प्यारी सी हदीस है कि जो मैं यहाँ पर बयान करूँगा आपकी खिदमत में। फरमाया कि पैगम्बर अकरम ने सौम शहर रमज़ान जुन्नतुम मिनन्नार, रमज़ान का रोज़ा ये आतिश जहन्नम के सामने इंसान के लिए सफ़र और हिजाब बन जाता है, हिजाब बन जाता है ये जहाँ रोज़ा वो जहन्नम की आग बहमदिल्ला ताला उसके नज़दीक नहीं जाएगी। और एक और प्यारी हदीस में है कि मोमिन को सोमली व आना अजीब है, रोज़ा मेरी ख़ास इबादत है और मैं ही उसकी जदा अता करूँगा। और फरमाया कि मोमिन को अल्लाह ताला दो खुशियाँ अता करता है, एक खुशी उसको उस वक़्त होती है जब वो इफ्तार करता है और पानी पीता है और अच्छा खाना खाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मोमिनीन की आदत है हर जगह पर जहाँ पर भी मोमिनीन होते हैं तो इफ्तार के लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं, फ़कीर से फ़कीर आदमी भी हो तो वो कोशिश करता है इफ्तारी में ज़रा अच्छा सा इंतज़ाम किया जाए, तो उस वक़्त मोमिन को खुशी होती है जब सारा दिन भूख और प्यास के बाद उसको ये पता चलता है कि ये खाना और पीना कितनी अजीम नेमत है। और दूसरा खुशी उसकी उस दिन होगी कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुलाकात करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या अजर अता करेगा कि इस रोज़े के अजर का असलन तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मैंने वो आयत करीमा आपकी खिदमत में सूरह बकरा में दो मरतबा ये आयत है कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, के रोज़े से रोज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के साथ ताबीर किया और सब्र की अजर सब्र की जो फजीलत है वो फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला यानी हर चीज़ का कोई ना कोई हिसाब और अंदाज़ा है, लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसका हरगिज़ हिसाब और अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, लामुतनाही अजर होगा, बेहद हिसाब अजर होगा अल्लाह ताला उनको अता करेगा। और एक और प्यारी सी हदीस में पैगंबर अकरम से आपकी खिदमत में बयान कर दूं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फरमाया कि रोज़ेदार को मोमिन को तीन खुशियां होती हैं, मोमिन के लिए तीन खुशियां हैं। एक खुशी मोमिन के लिए जब वो अपने मोमिन भाइयों से मुलाकात करता है तो उसके लिए खुशी होती है और उसको खुशी का टाइम होता है। नंबर दो, मोमिन की खुशी जब वो रोज़ा रखकर इफ्तार करता है। और तीसरा, मोमिन की खुशी का टाइम नमाज तहज्जुद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, माह मुबारक रमज़ान में हमेशा सारे लोग जाग रहे होते हैं, सारे लोग बेदार होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश करें
कि कम अज़ कम अगर पूरे साल में आप नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम इस माह मुबारक में आप ज़रूर कोशिश करें कि नमाज तहज्जुद की कुछ रकात आप अदा करें ताकि वो उस अज़ीम फैज़ और अज़ीम अजर से हम महरूम ना हों। तो अब जो सबसे जो पहला जो वजीफ़ा होता है रोज़े की हालत में वह है नियत करना, क्या हम नियत करें। यह नियत जो है वह हर अमल का जड़ और असास है कि जिसके ज़रिए से कोई भी अमल जो है वो सही और बातिल होना ये आपकी नियत के ऊपर मौकूफ़ है कि आप जब वो नियत करेंगे तो आपका अमल जो है वो सही होगा। अगर आप नियत में कोई कोताही करेंगे तो आपके अमल में बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हो जाएगा। नियत में पांच चीज़ों की रियायत करना ज़रूरी है। नियत किसको बोलते हैं मैं आपको ज़रा खिदमत में बयान कर दूँ। नियत में सबसे पहले जो चीज़ लाजिम होती है वह है कस्दे कुर्बत, कि आप ये कहें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दे रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए इस भाई मोमिन भाई का एहतराम कर रहा हूँ, वालिदैन का एहतराम कर रहा हूँ, बहन भाइयों की का एहतराम कर रहा हूँ। तो ये आप जिस काम को भी आप अंजाम दें, छोटे से छोटा काम भी आप अंजाम दें, हत्ता अगर आप फ़र्ज़ करें जूता भी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़े उतारते हैं, तो भी वानियत करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कपड़े पहन रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए कपड़े उतार रहा हूँ। तो हर काम में जब आप कुर्बतन इलल्लाह तबारक व तआला यानी अल्लाह की रज़ा के लिए उस काम को करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो काम आपका इबादत बन जाएगा। चाहे आपकी नज़र में वो बहुत मामूली काम है, आपकी नज़र में आदि काम है, लिबास पहनना, लिबास उतारना मसलन, हत्ता सोना, जागना, यानी दुनिया का कोई भी हलाल काम अब वो कुर्बतन इल्लाह की नियत से जब करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है ये कि उस काम को इबादत बना देगा। तो सबसे पहले ये कि जिस काम को भी आप करें तो उसको कुर्बतन इल्लाह की नियत से अंजाम दें। दूसरी चीज़ जो लाजिम होती है नियत के अंदर वो है कि नियत जो इस्तदा उसमें दवाम होना चाहिए, यानी रास्ते में आधा दिन रोज़ा रखे और बाद में कहे कि अब मैं रोज़ा नहीं रखता, मैं तो इफ्तार कर लेता हूँ, बस मैं थक गया हूँ, या जो है वसत में तोड़ने का इरादा कर लें, तो इस सूरत में ये नियत में जो इस्तदामत नहीं रहेगी तो ऐसी सूरत में फिर वो आपका रोज़ा भी बातिल हो जाएगा या दीगर अमल जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं जब आप नियत कर लेंगे अब मैं थक गया हूँ नहीं नमाज़ नहीं पढ़ता मैं इसको छोड़ दूँ, तो इस सूरत में जब आपकी नियत में इस्तदामत नहीं रही और दवाम नहीं रहा तो आपका वो अमल बातिल हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ शर्त है नियत के अंदर वो है इखलास, और सबसे जो उम्दा तरीन रुकन है इबादत का वो इखलास है, और इखलास से इंसान जब अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है, और अगर इखलास ना हो तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। इखलास का माना क्या होता है, यानी ये जो मैं काम कर रहा हूँ चाहे पूरी दुनिया देखने वाली हो तो भी मैं रोज़ा रखूँगा, चाहे दुनिया का कोई इंसान देखने वाला ना हो मैं रोज़ा रखूँगा, चाहे पूरी दुनिया वाले खुश हों तो भी मैं रोज़ा रखूँगा, चाहे पूरी दुनिया वाले नाराहत हों जब वो मुझे बुरा कहें तो भी मैं रोज़ा रखूँगा। इसको बोलते हैं इखलास, यानी अल्लाह के बंदों के ऊपर कोई उसकी तवज्जो ना हो कि लोग खुश होंगे, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, लोग मेरे बारे में इश्तिहार लगाएंगे, कितना मुत्तकी आदमी है, कितना प्रेरित, ना ना ये नहीं हो, फ़कत और फ़कत महज़ लिल्लाह तबारक व तआला। ये अगर आप अमल करेंगे तो आपका अमल जो होगा वो इबादत होगा, वल्ला अगर बंदों की खुशनुदी के लिए भी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए भी आप काम करेंगे तो ऐसी सूरत में आपका जो अमल होगा वो अमल बातिल हो जाएगा, उसका कोई अजर आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद जो चीज़ लाजिम है वो कसद तायीन भी लाजिम होती है कि आप अपने अमल को मुअय्यन करें कि मैं आज ये नमाज ज़ोर पढ़ रहा हूँ, नमाज असर पढ़ रहा हूँ, या रमज़ान का रोज़ा रख रहा हूँ, वाजिब रोज़ा रख रहा हूँ, मुस्तहब रोज़ा रख रहा हूँ, तो इसको भी तायीन करना ज़रूरी होता है। और पाँचवें नंबर पर जो नियत के अंदर चीज़ ज़रूरी है वह है गफलत, कि गफलत ना हो कि इंसान जब वो अमल शुरू करे बाद में भूल जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा है, किसी ने कोई पूछे अगर मुझसे कि तुम क्या कर रहे हो तो इंसान जो गाफिल हो जाए, उसको पता ही ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, या पूछे कि आज तुम्हारा रोज़ा था या नहीं था तो वो सोच में पड़ जाए मैंने रोज़ा रखा था नहीं था मसलन, तो इसको बोलते हैं गफलत।
अगर गफलत आ गई तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब ये टाइम तमाम हो रहा है तो मैं आज आठवें दिन की, सातवें दिन की दुआ का अजर आपको बयान कर दूँ कि सातवें दिन की जो दुआ का अजर है वो ये कि जो शख्स भी सातवें दिन की दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में ऐसी चीज़ें अता करेगा जो शुहदा और औलिया को अता की जाएंगी। छोटी छोटी प्यारी प्यारी दुआएं हैं पैगंबर अकरम की। जनाब इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगंबर अकरम से ये जो इन दुआओं को नकल किया है, तो इंशाअल्लाह ताला इन प्यारी दुआओं को आप ज़रूर पढ़ें और उसके ज़रिए से आपके जो दर्जात हैं वो बुलंद होंगे। और इसी के साथ मैं अपने इस बात को तमाम करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।